हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि रियांश की रात हुई तबीयत खराब। रात को इसको पता नहीं, अच्छे से सोया था, कुछ भी मतलब परेशानी नहीं थी। और जब रात को उठा तो कहने लगा कि मुझे ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मम्मा। तो हमने फिर इसके विक्स वगैरह लगाई तो उससे थोड़ा सा आराम हुआ, लेकिन फिर भी इतनी परेशानी रही इसको कि मतलब ये सोया नहीं ढंग से। तो इसलिए सबसे पहले आज इसको लेकर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, बाकी का काम करेंगे आज बाद में। तो रियांश अभी पीछे बैठ गया है और पापा ऑफिस के लिए रेडी, और चलते हैं रियांश को डॉक्टर के यहाँ लेकर। अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक नहीं है? क्या हो रहा है अब? आवाज भारी भारी हो, गले में खराश हो रही है। अच्छा, क्या भारी हो रहा? गले में भारी भारी सा आवाज, वो इन्फेक्शन। हाँ, दो तीन इंजेक्शन लगेंगे, गला बिल्कुल ठीक। सीट बेल्ट लगा लूँ मैं, एक मिनट। गए हम और रियांश को चलते हैं डॉक्टर के पास लेकर, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। डॉक्टर को क्या बताना, उसको तो इंजेक्शन लगाना है बस। बहुत लंबी लाइन है, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल है। हर किसी हॉस्पिटल का, हाँ हाँ, हर किसी हॉस्पिटल का यही हाल है ना भाई। तो ये तो सो रहा है, जब सोया था जब तो नॉर्मल था, लेकिन जब रात को परेशानी हुई तो मतलब ऐसा लग रहा था बहुत कफ जमा हुआ हो। मांझते थे एक बार अच्छे से, हमारे टाइम में ऐसी होता था, पापा मांझते थे, सही सो जाता था। नहीं बहुत करा मैंने, मांझा नहीं, मांझा नहीं है, मतलब विक्स वगैरह लगाकर रब कर दिया था इसको। उससे तो खांसी बढ़ जाती है। अच्छा, विक्स नहीं, खांसी नहीं हो रही थी एक्चुअली इसको, लाड प्यार करने से बढ़ जाती है ना, लाड प्यार नहीं करते। मतलब रात को नहीं, सेवा तो मैंने करी, लाड प्यार पापा करते हैं, पता ही है। अच्छे है ना, होमवर्क कौन कराते हैं, मम्मी स्कूल कौन प्यार करके भेजते हैं, मम्मी खाने की परिस्थिति कौन खिलाते हैं, पापा क्या करते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, बाइक पे घुमाते हैं, चीजें दिलाते खिला कर लाते हैं, चीजें दिलाते हैं, बस सही बात। स्मार्ट तो पापा ही हुए, जबरदस्ती वाले नापसंद वाले काम है वो तो मम्मी करा दिए। बाहर निकाल के करो ना ऐसे, लास्ट टाइम भी इन दिनों में आया था ये आपके पास, टाइफाइड हुआ था। अब तो स्माइल भी आ रही है, रात तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था बस मम्मा आ नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट चला स्टीम देनी पड़ेगी राजा, गर्म पानी की भाप लेनी है, तो उससे सबसे जल्दी रिलीफ तो स्टीम से आता है। रात भी दी थी हमने थोड़ी सी, नाक से लेनी है सांस लेने, तरीका क्या है वो ब्लैंकेट डाल के स्टीमर लगा के मुंह बंद रखना, ऐसे नहीं करना, नोज से लेनी है, नाक से लेनी है, नाक से ही निकालनी है। सुन लिया? स्टीम गोली खा लोगे पानी में घोल के? नहीं नहीं, गोली खाएगा। हाँ जी हाँ जी, बस यही है थोड़ा सा, मतलब इसको फीवर वगैरह तो नहीं लगा था, नेक का इन्फेक्शन ही है बेटे, कह रहा है कि नेक में पेन भी हो रहा था मेरे, थ्रोट इन्फेक्शन है ना। सीमा आपने 12 भी बता देगा? हो सकता है इन्होंने भी रोनिका की एज बता दी हो। दो मिनट हो गए, 2 मिनट, बच्चों को भी बाहर बिठा दो, इनके पास जाइए,
तो पापा कभी कभी ऐसे स्मार्ट बन के आते हैं ना, डॉक्टर मैं ही सब कुछ करता हूँ, उनसे बस गलती से मैं क्लास बाहर बैठ जाऊँ, अंकल ने बोला है। हाँ जी हाँ जी, फिर मम्मी ऐसे घूर के देखती है, समझ में आ जाता मुझे पापा कितना ध्यान रखते हैं। जी भैया इधर आ जाओ, आपको इम्पोर्टेंट है ये, मम्मी की समझ में आएगी नहीं। अच्छा अच्छा, जैसा कि रियांश ने बोला कि पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भैया ने कहा कि आप इधर आ जाओ, आपको ही समझाऊंगा कैसे कैसे दवाई देनी है। कहने लगे इम्पोर्टेंट बात है, बस आप ही समझो। यहाँ इन्होंने सारा एक चार्ट पेपर बनाकर दिखाया और रियांश के बारे में समझाया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, इससे इसको ये दवाई होगी, ये एलर्जी होगी और ये ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, सारा इन्होंने समझा दिया। यहाँ बाहर आकर मुझे दवाई समझाने लगे, मैंने कहा मैं तो बताऊंगी भाई, पापा प्यार करते हैं, पापा ही खिलाएंगे। कहने लगे हाँ, जो डाइट नहीं खाता है उसे ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जो ध्यान नहीं रखता अपना। देख ले ये दवाइयाँ अभी नहीं खाने, मना कर दिया। तो भाई दवाई ले ली और अब चलते हैं घर की ओर। रियांश भागा भागा, दवाई को देख के एक्टिव हो गया तो हैं, दवाइयाँ देख कर ही एक्टिव हो। चलो तो भाई अब बैठते हैं कार में फटाफट। नौ विरोनिका, इसे तो खिचड़ी बताई है। जवे बनाऊ? हाँ खिचड़ी खाएगा नहीं, अच्छी लगती है कोल्ड में। कोल्ड में अच्छी लगती है ना। अच्छा कोल्ड में जवे अच्छे लगते हैं, गरम गरम अदरक डालकर। हाँ चलो तो जवे बना लेती हूँ मैं। वैसे तो डॉक्टर ने कोई मतलब परहेज बताया नहीं है, लेकिन हम अपनी साइड से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। और मैंने मैं बनाने वाली थी खिचड़ी, लेकिन रियांश खिचड़ी नहीं खाता, तो विरोनिका ने कहा मम्मा जवे बना लो, ये भी खा लेगा और ज़्यादा हैवी भी नहीं होएंगे। ये जवे वैसे भी हमारे घर के टूटे हुए होते हैं, मम्मी घर पर ही तुड़वा देती हैं, आटे में से जो मैदा निकलती है ना उसके तुड़वा देती हैं, उससे ये होता है। वो बाजार वाली मैदा तो ज़्यादा परेशानी करती है, ये आटे की मैदा के मतलब घर पर निकालते हैं मम्मी, तो वो अपना भी आटा पीस कर उसमें छान कर फिर निकलवा कर फिर तुड़वाती हैं, तो ये नुकसान भी नहीं देते ज़्यादा। तो अभी मैं फिलहाल पहले जवे बना देती हूँ इसके लिए। ये हो गए जवे बनकर रेडी, और आज मैंने सादे बनाए हैं, मटर गाजर कुछ नहीं डाली, क्योंकि रियांश को भी डॉक्टर ने मना करी है। दोनों रहने दो, रियांश शर्मा कर देंगे। बता इसमें क्या आया होगा, बता विरोनिका बता। मैं आराम से आराम से, कभी कुछ अच्छा। ये वॉल वॉल वो है, वॉल को डेकोरेट करने के लिए। हाँ ये कार्ड भी दे दिया उन्होंने कि अपने यहाँ से मंगा लो। ये दो कैसे आए हैं पैकेट? अभी और भी है, हैं एक और भी है। ये दो सेट आए क्या? हैं पर हमने तो वन ऑर्डर करा था, टू क्वांटिटी है। अच्छा मिनिमम टू, उसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई भी होगी। ये कितने पीस हैं अलग अलग? तो बड़े अच्छे हैं मम्मा, पहले लगा कर देखेंगे ना। क्यों से लग रहे हैं? तो ये हमने मंगाया है वॉल डेकोरेशन के लिए, अंदर लगाएंगे। एक बाहर लगा देंगे एक अंदर लगा देंगे, ये है वॉल डेकोरेशन के लिए मंगाए हैं हमने। चल दूसरा बॉक्स अनबॉक्सिंग कर जल्दी, लगा लोगी हो? हाँ ट्राई कर लेंगे। ये कुछ ऐसे हैं, ये पता नहीं वॉल पर चिपकाने के लिए है, डिजाइन सा बन जाएगा बहुत सुंदर सा, जब बनाएंगे हम आपको दिखाएंगे। ट्राई करने में क्या जा रहा है, खराब हो गया तो कोई बात नहीं, पापा फिर मंगा देंगे दोबारा ना। पैसे पेड़ों पे लग रहे हैं, पेड़ पे से तोड़ लेंगे। हाँ, पेड़ उगाना पड़ेगा पैसों वाला पहले। अभी तो आप कह रहे थे पैसे पेड़ पे लग रहे हैं। तो ये है सेकंड, ये पापा ने मंगाया है एक फ्रेम, ये मंगाए हैं पापा ने फोटो फ्रेम, और इसमें लगेंगी हमारी पिक्चर सब सबकी, एक फैमिली फोटोग्राफ। सब पहले फोटो भी तो क्लिक करवाने पड़ेंगे, अब फोटो भी तो क्लिक करवानी पड़ेंगी। अब कौन सी? इस फ्रेम के लिए, वही तो कह रहा हूँ। चलो फिर,
अभी चलना है। हाँ ये फैमिली, ये सेंटर में लगेगा, सुंदर लगेगा। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कहीं अच्छी सी जगह। ये मेरा वॉल क्लॉक, ये मेरा, ये लगा दो ऊपर सबसे। ये मम्मा, मम्मा ये खट्टा है वो, मतलब चारों फैमिली। चलो ये भी देखते हैं बाद में फिर, है ना। सुलन आई है, ये कह रही है कि मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी किसी को भी। दिखा दे दुल्हन, दिखा दे, इधर तो आ जा। हाँ बार बार मत खोलना, वो खराब हो जाएगा, नहीं तो ये बैक है। अच्छा लग रहा ना रियाज, कलर सा फेयर सा है। देखो ऐसे करके देखो, मैं तो कलर बड़ा बेकार सा है, देखो। अच्छा है, अभी आ गया है एक पार्सल और, अब इसकी भी अनबॉक्सिंग करवा देती हूँ। विरोनिका से खुश हो जाएगी, इसको पार्सल की अनबॉक्सिंग करने का बड़ा शौक है। विरोनिका मतलब करती रहती है, और रियाज कहता है छोड़ ना क्या होगा, मम्मी ने अपना ही सामान मंगाया है, हमारा कुछ थोड़ी आया है जो अनबॉक्सिंग करनी है। So friends, इसके अंदर क्या होता है, पापा का गिफ्ट, फोन का, या फिर कुछ और सामान। चलो देखते हैं, स्कैन करो पहले, नहीं आया तो स्कैन पर खोलना ही पड़ेगा यार। ये स्कैनर खराब हो रहा है, स्कैन नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, सामान मंगाया है कुछ पापा ने, वैसे ही आइटम्स। पापा ने क्या मंगाया, मैंने ही मंगाया है, ये क्या चीज है। ओहो ये वो है जो साइड में पोर्ट नहीं रखते, छोटे छोटे पोर्ट, पजल होगा ये। हाँ पजल सा लग रहा है, दिखा तो दे इधर, तूने आगे तो वो लगा लिया है। हाँ ये छोटे छोटे से वो है, ये ऐसे लग के ना इसके अंदर लगा कर, ये वो है हैंग करने के लिए। हाँ ये इसके अंदर पोर्ट रखे जाएंगे सुंदर सुंदर से, छोटे छोटे से। वो पोर्ट भी तो लेके आने हैं फिर, है मेरे पास, तू लगा कर दिखा दे। हाँ शायद दिखाइयो, शायद ना दिखाइयो, बस इसके ऊपर करके नहीं दिखाई होगी तो लापरवाह हो, मारे वाह हिंदी, लापरवाह लापरवाह हो। नहीं मैंने अनबॉक्सिंग तो दिखाई होगी, इसमें वीडियो मैंने दिखाई होगी तो शॉर्ट्स में दिखा दी होगी, शॉर्ट्स में दिखाई, और नहीं तो फोन में सेव रखी होगी, अगर नहीं दिखाई होगी तो वीडियो। सही है ना, सुंदर है ना, गंदा नहीं, पेंट नहीं, पेंट नहीं है, ये माइका है। ऐसे रख के दिखा सारे, ये ऐसे लग जाएंगे, रख भी सकते हो, रखे नहीं जाएंगे ये, ऐसे कुछ नहीं नहीं, ऐसे ऐसे हैंग होता है, दिखाना ये ऐसे हैंग होता है। तेरा फेस बिल्कुल सही आ रहा है, और रुक जा, ए तेरा वो तो आ ही नहीं रहा। चलो तो अब अनबॉक्सिंग हो गई, अब फटाफट से करते हैं स्कूल का काम, तुम दोनों करो और मैं करती हूँ घर का काम। नहीं मैं रात को करूँगी, नींद आ रही है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, काम कर लो पहले, फिर अभी फिर तबीयत खराब हो गई तो फिर छुट्टा छुट्टा छुटता चला जाएगा, छुट्टा छुट्टा करने लग गई मैं अभी। चलो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।